नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक खास प्रस्तुति भारत योग में। आइए जानते हैं आज का योग विचार। वंस यू नो योर वर्थ, नथिंग कैन स्टॉप यू एंड द ओनली मार्ग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज योग। योग एकमात्र वो माध्यम है जो आपको आपके अपने आप से मिलवाता है, और जिस वक्त आपको अपने आप का, अपनी ऊर्जा का, अपने पोटेंशियल का बोध हो जाता है तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। अपने आप से मिलें, अपने आप को जानें नियमित योग साधना के माध्यम से। गुरु प्रणाम आसन, जिसको कुछ लोग शशांक आसन के नाम से भी जानते हैं, ये आसन आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अपवर्ड करता है, यानी आपके सौंदर्य को बढ़ाता है। और यथा नाम तथा गुणा, गुरु प्रणाम का अर्थ है जब आप गुरु के समक्ष होते हैं तो आप अपने विकारों से मुक्त हो जाते हैं। आपको विकार मुक्त करता है गुरु प्रणाम आसन। गुरु प्रणाम आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं, हाथों को नमस्ते की स्थिति में लाना, अंगूठे कंठकूप में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे की ओर झुकना, पूरे शरीर को खींच देना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, अपने माथे को भी जमीन से छू देना, कोहनियों को, हथेलियों को जमीन से छू देना, नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य रुकें जितनी देर कंफर्टेबली रुक सकते हैं। और फिर पहले अपनी कोहनियों को उठाना, हथेलियों को उठाना, पूरा शरीर ऊपर की ओर ला करके पीछे की ओर खींच देना और नमस्ते की स्थिति में आ जाना। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, लटकने के लिए, उछलने के लिए, कूदने के लिए, खासतौर पे चलने के लिए बना है, लेकिन हम दफ्तर में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते हुए बैठे रहते हैं। तो आज से आप बनाइए 20-20 का रूल। 20 मिनट से ज़्यादा आपको बैठना नहीं है। जैसे ही 20 मिनट हो, जहाँ भी आप बैठे हैं उठ जाइए और थोड़ी देर चल करके आइए। आपके घुटनों को भी थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी, पैरों को भी मिलेगी, पूरे शरीर को मिलेगी, रक्त का संचार बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।